राइट व्हाट्सअप गाइस, सो कल है नेहा का बर्थडे और हम लोग रात के 12 बजे उसको सरप्राइज देने वाले हैं और हम दोनों एक केक और कुछ गिफ्ट लेके आए हैं। चॉकलेट केक है ना? हाँ चॉकलेट केक है। ये तो मुझे याद आएगा। और हमने रूम की कुंडी लगाई है और हमने गिफ्ट छुपा के रखे हैं उस कर्टन के पीछे। रात के 12 बजे हम लोग सो जाएंगे। जैसे ही 12 बजे हाँ पॉलिथीन पड़ी हुई है तो अभी हमने मम्मी को बिल्कुल नहीं बताया है। अगर पता चला तो मॉम को तो सबके पता ही है। तो ये होगा बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट। तो मम्मी को गंदे वाला गिफ्ट बता के पर अच्छे वाला गिफ्ट है। यस, गंदे वाला कौन सा गिफ्ट बताया मम्मी को? अरे वो बुला दो, नहीं बता सकती। बता दे फिर क्या होगा। तो गाइस हम लोग अभी किसी काले बोल रहे हैं आप ना इसको पकड़ो, मैं कहता हूँ माँ 3 मिनट अपनी आँखें बंद रखो, ठीक है? ठीक है, चलो मैं करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये सामान लेके कौन आया है? ये तो गया ही नहीं। गया था। कब गया ये? गया था। हाँ मैं गया था पापा। नहीं अकेले तो पापा लाए पर मैंने इनको बोल रखा था। भाई ठिकाने वाला तो नहीं है, सामान बहुत प्यारा है लेकिन पापा मैंने करने वाला। थैंक यू सो मच। पापा को भी तो थैंक यू कर दे। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे। तो गाइस मेरा बर्थडे इतना सरप्राइजिंग। वाह आपके लिए। मुझसे ज्यादा तो एक्साइटमेंट इसको है, इतनी ज्यादा वाली। लगाओ माचिस की। तो लाओ। नहीं मैं पहले मैं अपने हाथ से ग्लू वाल निकाल लूंगा। ओके चलो गिफ्ट तो दिखा दो फिर। गिफ्ट तो भाई बहुत पर्सनल है तो बड़े। ओह माय गॉड, किसकी पसंद है ये, किसके काम है ये इतने। Can't believe this girlish सामान इतना सारा और इतने मोटे मोटे गिफ्ट मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। फर्स्ट गिफ्ट मेरा 1+ फोन, सेकंड गिफ्ट मेरे पास इतना बड़ा लैपटॉप, थर्ड मेरे पास ये, फोर्थ मेरे पास ये, फाइव मेरे पास आना है अभी कल भी और भी। थैंक यू सो मच दोनों को। कैंडल तो लगा लगा तो दी कैंडल कैंडल ही वो माचिस प्रोडक्ट और इतना सारा ये दोनों, वो भी दोनों बॉयज लेकर आए हैं मेरे लिए सामान। हाँ तो रिया भाई मैं और पापा ही लेके आए हैं। चलो काटे। वाह थैंक यू सो। मुझे ज्यादा नहीं लगानी चाहिए थी। सो बहुत स्पेशल बर्थडे हो गया है मेरा आज तो, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। अरे वो अरे गिर रही है यार, जो गिर रही है उनको हटा देते हैं। बस हटा दे और सारी हटा दे। प्लीज गॉड बिल्ली ना गिरे। अच्छा ओके पिंक भी गई, लुढ़क के गई। ये ब्लू एक है ना, ये लगा देते हैं बस। जा उंगली जल जाती फिंगर अभी तेरी। ब्लू के साथ ही लगाओ ना। हटो 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 हटो। तीन नहीं जलाते, चार जला। डे टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं आपको अपने हाथ से किट कटवाना चाहता हूँ।
धुआं धुआं हो गया। Happy birthday to you. Thank you. Oh, then cut the yard. मैं तो मम्मी को दिल के साथ खिलाऊंगी। दिल के साथ खिलाएगा? हाँ, थोड़ी ये उल्टा है खाल ऊपर। क्यों है? पर मैं तो खाया नहीं, ये वाला खा लूँ। खा ले। बहुत टेस्टी है। दोनों बहुत टेस्टी हो। एक बज रहा है और एक वजह से ये बच्चा अभी तक सो रहा है, उठा नहीं है। उठ रहा है? आप ब्लॉग बंद करो, मैं उठता कभी नहीं उठता। ऐसे नहीं बोलता है। बाबा ब्लॉग बंद करो। तो गाइस आज जैसे बर्थडे है तो आज हम लोग जिम नहीं गए और रात को बहुत लेट हो गया था तो बाहर लंच करने आए हैं। तो जो लोग डंडी स्वामी के आसपास रहते हैं लुधियाना में, तो बेस्ट नान जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो लुधियाना में सबसे बेस्ट स्वादिष्ट नान कहाँ पे मिलेगा। लुधियाना में महाजन दी हट्टी अच्छा, तो बेस्ट नान लुधियाना में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नेहा मेरे लिए नान दे रही है, महाजन दी हट्टी ये है डीएम डंडी स्वामी के सामने। यहाँ पे सूरज चुस्की वाला है, सूरज चुस्की वाले के मोहतरमा आ गई हैं और रास्ता नहीं मिला हमको और आ गई हैं हमारे लिए। सो गाइस दोपहर के लंच के बाद यहाँ बर्थडे किसका भी हो मजा तो वही आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि खाने का तो केम डे मिलना है। यहाँ पे मजा क्या करता है वो जाके नाक लगा रहे हैं। यहाँ पे केक हम लोग काट रहे हैं। अरे यहाँ से हमने समय सर एक मुंह पे भी लगाया जाता है। सर रात के 10 बज चुके हैं और ये लोग देखिए कैसे बैठे हैं, बेचारे थक गए जिम में काम करके और टाइम हो गया है और हम काम करने के बाद अब जा रहे हैं पाव भाजी खाने और जी खाएंगे बर्गर और कुमार डोसा बिल्कुल पास में। आगे बैठे हम आपने आना था लेट कितना एक बार कितना आए।